नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डीप एनालिसिस में बात करने वाले हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, क्योंकि एक सॉन्ग आया है जो सॉन्ग का नाम है ये सॉन्ग इतना अश्लील क्यों है, क्यों ये मीडिया वालों के नज़र में आया है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन दरअसल मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर आपके घर में आपके पिताजी ही कोई गलत काम करे तो जाहिर सी बात है कि उनके संतान भी कुछ गलत ही करेगा। बस ऐसा ही समझिए भोजपुरी इंडस्ट्री में। भोजपुरी इंडस्ट्री में वो चाहे पवन सिंह हो, चाहे खेसारी लाल हो या फिर कोई और भी कलाकार हो, जब ये बड़े बड़े एक सुपरस्टार कोई भी सॉन्ग गा दे रहे हैं, इन लोगों को ये नहीं समझ आ रहा है कि ये सॉन्ग घर में बजाने लायक हैं या फिर नहीं हैं। जहाँ भी माँ बेटी बहन कोई के सामने ये सॉन्ग हम नहीं सुन सकते, उसके बाद भी ये लोग गा रहे हैं, और खेसारी लाल तो हद ही कर दिए। लेकिन जब ये गाना आया देवरा ढोनी चटना भाई, ये सॉन्ग वाकई में अश्लील है, इसमें नो डाउट कि ये सॉन्ग अश्लील नहीं है। लेकिन मेरा कहना ये है कि जब भोजपुरी के बड़े बड़े कलाकार जब अश्लील सॉन्ग निकालेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो छोटे छोटे कलाकार हैं वो कुछ भी गा देंगे चमकने के लिए, फेमस होने के लिए। और यही काम किए थे चंदन चंचल। ये सॉन्ग इतना फेमस हुआ कि 3 वीक में 25 मिलियन व्यूज, इसका मतलब कि लोग इस सॉन्ग को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। लेकिन जो इसके राइटर हैं पीके आर्यन, मीडिया वाले उनको जाकर इतना परेशान किए कि आप खुद सुन लीजिए। बात नाम कर रही है, बताइए ना, आपको मालूम है, ये चीज तो मालूम होगा ना, हमारे रामायण में भाभी को माँ का दर्जा दिया गया सीता माँ के दौर पे, तो आप लोग कैसे देवरा ढोनी चटना बाद देवरा उठ कटना बाद कैसे ये गाना इतना गंदा रहनी में, तो आप ऐसे ही गाने गाएंगे, ऐसे ही गाने बजाएंगे? ऐसे नहीं है, इससे पहले भी हम काम करते थे और आगे भी करते रहेंगे, आज भी काम किए हैं, कल भी काम करेंगे। बढ़िया गाने भरत शर्मा जी के जो हम लोग घर द्वार में बजा के आराम से सुन लो भाई, काम कर रहा पूरा घर द्वार आदमी को सब लोग सुन रहा है। क्या गाना था कि ढोड़ी मुदले बनी पियरी माटी से, कैसे हो सकता है बताइए? तो ठीक है, होता है, वो तो मूवी का गाना था। क्यों मूवी का गाना है तो और नहीं होना चाहिए था इस तरह का? एल्बम में है तो चलो एल्बम में सीमित हो गया, मूवी का तो पूरा ऑल इंडिया देखता है आखिर वो लोग क्या बजाया है क्या नहीं। गंदी गालियां दे के लोग वीडियो बना बना के चढ़ा रहा है, उस पर असली नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो उनका मिलियन में मणि मेराज जी का मिलियन में जाता है, 13-14 मिलियन जाता है एक एक दिन में। उनका वीडियो देखिए, फिर कृष्णा जैक है उनका वीडियो देखिए, एक प्रिंस है उसका वीडियो। हम अच्छे गाने और भी गा के सुनेंगे, हमको भोजपुरी सुनना है तो हम अच्छे गाने सुनेंगे, जैसे कोका कोला हिट हुआ। हमारे बगल में एक शादी थी, कुछ लड़के लोग आए और बोल के गए कि कोका कोला बजा दो, डीजे वाला बजाने लगा, वो बोल के वो लोग चले गए खाना खिलाने के लिए, और एक झुंड औरतें आई और बोल रही हैं कि ढोड़ी जानी छिलदा बजाओ, इसका मतलब हम क्या समझेंगे, क्यों लिखेंगे इस तरह का ढोड़ी चटना और ये सब, हमको शौक लगा है। कोशिश करिए कि भोजपुरी को थोड़ा, ये गाना आपका हिट हो गया देवरा ढोड़ी चटना बात, तो आगे और कुछ चाटने वाला कार्यक्रम जारी रहेगा। जो लोग आज आवाज़ उठा रहे हैं वो लोग भी सुनते हैं, जो हमको आज गाली दे रहे हैं वो भी 10 बार इस गाने को बजा कर सुनते हैं। चलिए, ये थे हमारे साथ भोजपुरी के असली राइटरों में से एक राइटर, क्या नाम है आपका? पीके आर्यन जी, देवरा ढोड़ी चटना के राइटर। आपको क्या लगता है, इतना ट्रोल अगर मीडिया वाले कहीं विकास दिखाकर करते तो आज शायद हमारा भोजपुरी ऐसा नहीं रहता और हमारा देश ऐसा नहीं रहता। अगर मीडिया वाला कोई अच्छा काम करता, अगर उनको ये लगता कि ये अश्लीलता आज ही के डेट में तो चंदन चंचल ने फैलाया है, ये वल्गारिटी, ये गाना, ये सॉन्ग को गाकर, तो शायद आज इनके पास जाकर इंटरव्यू लिया जाता है। लेकिन उनको ये लगता कि हाँ ये खेसारी लाल का गाना कितना अच्छा है, जरा ध्यान से सुनिए, ये कितना अच्छा लगता है, जरा ये पवन सिंह का गाना सुनिए। अगर इस पर मीडिया वाले सारे मिलकर ये कहते कि सेंसर बोर्ड पास करने के लिए, तो आज शायद भोजपुरी में कोई भी सॉन्ग ऐसे ही रिलीज नहीं होते। लेकिन इस पर कोई मीडिया वाले बात नहीं किए, इस कश्यप के अलावा और कोई मीडिया वाले नहीं थे इस पर बात करने के लिए। लेकिन एक जब गरीब परिवार के बच्चे हिट कर गया, लोगों को उनका गाना पसंद आ गया, तो सबकी नज़रों में गड़ गए। देखिए, हम भी इस सॉन्ग का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो मीडिया वाले कर रहे हैं उनको हम गलत ठहरा रहे हैं। मीडिया वाले आज बड़ी शान से कहते हैं कि क्या आपने कभी आपने अपने भौजाई की ढोड़ी चटले बनी अपने भौजाई की ढोड़ी ना, हम तो चटले नहीं खी। लेकिन याद रखना, मीडिया वाला ये गलत किया है कि केवल यही संग उनको क्यों गंदा लगा, यही संग को क्यों लेकर उनके पास पहुंचे कि ये सॉन्ग आपने क्यों ऐसे गाए हैं। आज पीके आर्यन जो ये देवरा ढोड़ी चटना वाला सॉन्ग है, इसको लेकर वो उनको मीडिया के द्वारा इतना परेशान, इतना ट्रोल किया गया कि वो जहर खा लिए हैं और आज पटना की हॉस्पिटल में भर्ती हैं और भगवान की दुआ की ज़रूरत है उनको बचाने के लिए। सो आई होप कि आप हमारे बातों को समझे होंगे, लेकिन जो एक्चुअल रीज़न है ये मैं बताना चाहता हूँ कि मीडिया बहुत चुतिया होते हैं, मीडिया वाले अपने TRP के चक्कर में कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी। इन भाई साहब के 14,000 सब्सक्राइबर हैं लेकिन कारनामा कैसे कैसे पूछ रहे हैं, इसके पहले ये मर गए थे क्या? आई होप कि आप हमारे बातों को समझे होंगे।
सो ठीक है, मिलते हैं अगले नए अपडेट के साथ।